नमस्कार, मैं कृति गिरी और आप देख रहे हैं AHN न्यूज। शहर की GIC ओवरब्रिज की सड़क धसी, हो सकता बड़ा हादसा। खबर आ रही है अयोध्या से, जहां बरसात के मौसम में फैजाबाद शहर की GIC ओवरब्रिज की सड़क लगभग 3 फुट धस गई, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। सड़क टूटने की सूचना देने के बावजूद भी संबंधित विभाग ने सड़क की मरम्मत नहीं कराई। वहीं जब स्थानीय अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता से बात की गई, उन्होंने सड़क क्षतिग्रस्त का ठिकाना पूर्व सरकार सपा पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा, पूर्व की सरकार ने गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया, जिससे ओवरब्रिज की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। योगी सरकार की तारीफ करते हुए विधायक ने कहा, हमारी सरकार गुणवत्ता पर ध्यान दे रही है। हमारा प्रयास है जो भी विकास कार्य हो वो गुणवत्तापूर्ण हो, लेकिन पूर्व की सरकार में गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया, जिससे सड़कें टूट रही हैं। विधायक ने कहा, जल्द ही टूटी हुई ओवरब्रिज सड़क का मरम्मत करवा दिया जाएगा। दरअसल 2013 में सड़क का लोकप्रिय सपा पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने किया था। अयोध्या से नौशद आलम की खास रिपोर्ट। क्योंकि उस समय जो भी सरकार थी वहाँ पर काम की गुणवत्ता भी नहीं होती थी, और जो लोग जिम्मेदार लोग थे उनकी मिलीभगत से कार्य हुए, उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अफसरों की और ठेकेदार की मिलीभगत रही है, जिसके कारण गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो पाए। और जो आप अभी बता रहे हैं मकबरे का जो ओवरब्रिज की जो साइड धस गई है, निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक मैटर है, और इसमें हम बात करेंगे जिलाधिकारी महोदय से, और जहाँ भी जिन अधिकारियों की इसमें गलती होगी उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कराने का जिलाधिकारी को निर्देशित करेंगे। हम कराएंगे ही, वो तो जो भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो पिछले कार्यकाल में हुई थी, और इनको हम लोग कहीं ना कहीं ठीक कराने काम कर रहे हैं, क्या करें। लेकिन कहीं ये बात मैं कह सकता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी सरकार में गुणवत्तापूर्ण और अच्छे कार्य हो रहे हैं। जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो उनकी क्वालिटी अच्छी है, और मटेरियल जो लग रहा है वो भी अच्छी क्वालिटी लग रहा है। इस बात की हम निरंतर जांच भी करते रहते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं, और ये प्रयास हमारी सरकार का है कि हमारी सरकार में जितने भी निर्माण कार्य